हेलो गाइस, कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद है मेरी आप बहुत अच्छे होंगे। होली आ रही है तो होली का सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही होंगी और उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। कोरोना काल में, कोरोना से तो लिटरली सब लोग इतना इरिटेट हो चुके हैं कि बस किसी तरीके से ये कोरोना जाए और हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ। लिटरली ज़िंदगी रुक गई है, सब जगह नेगेटिविटी हो गई है कि कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस और एवरीथिंग सो बहुत ज़्यादा। बट इसमें कुछ अच्छा भी हुआ है कि हम लोग जो नहीं सोच सकते थे कि आप लोगों से लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव वीडियो बना सकते हैं, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसके अलावा भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ भी आए हैं कि हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं कि किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं जो अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। ये अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, दोनों तरह की हैं। तो दोस्तों, हम पॉइंट पे आते हैं कि जीआर आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भावना गौतम आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा जीआर क्राफ्ट में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है वेस्ट टू वंडर, उसी में हमने फर्स्ट अपना सिखाया था सॉफ्ट डिस्पेंसर, और आज हम सिखाएंगे कि वेस्ट बाउल से हम अट्रैक्टिव बाउल्स कैसे बना सकते हैं। वो मैं आपको सबसे पहले शो करूंगी। अभी मैं लाइव भी आई थी और लाइव भी मैंने शो किया था, तो अब दोबारा मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ शो करती हूँ और फिर हम उसमें जो हमारा क्ले यूज़ होगा हम वो आपको बनाना सिखाएंगे। सो गाइस, ये वाले हमारे बाउल्स हैं जो हम आप लोगों को सिखाएंगे। इसका अभी लाइव में दिखा रही थी तो उसका ढक्कन ऊपर का नीचे गिर गया था। देखिए, फर्स्ट बाउल ये है, ये हमारा प्लास्टिक बाउल था। इसके लिए मैंने इसके ढक्कन पर पेंट भी कम किया था जिससे आपको मैं दिखा पाऊँ। ये वाले बाउल्स आते हैं जो आपके 10 या 15 रुपए के आते हैं। ये वाले बाउल मेरे पास आए थे, किसी ने मुझे दिए थे, तो मैं प्लास्टिक जनरली यूज़ नहीं करती तो इसीलिए कम ही मतलब यूज़ में आया मेरे। तो ये ढक्कन वाले बाउल थे। ये आप लोग, शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं किस तरीके के बाउल्स की बात कर रही हूँ। ये प्लास्टिक का बाउल है, इसलिए मैंने इसके ढक्कन पर भी छोटा कम पेंट किया था जिसे आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। तो दोस्तों, ये मेरा वेस्ट था तो मैंने इसको वंडर बनाया है, वंडर में क्रिएट किया है। ये देखिए, मेरी टेबल है, टेबल पे बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं क्योंकि अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई है तो उसका सामान भी जनरली इसी पर रखा रहता है। ये इसी का दूसरा है पार्ट, ये भी प्लास्टिक का ही बाउल है जिसको मैंने यूज़ किया है और ये बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं सामान भी रखती हूँ और अंदर में इसका है, मैं वॉश भी कर लेती हूँ इसको, लिटरली वॉश भी किया हुआ है तो कुछ बिगड़ता नहीं है इनका। और ये है, ये तो टोटली ही वेस्ट है, ये मैं आपको बताऊंगी और ज़रूर 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 बनाना सिखाऊंगी इसको मैं। ये टोटली वेस्ट है और वेस्ट से देखिए कितना अट्रैक्टिव बना है ये। और एक ये है, ये कांच का बाउल है, इसको भी हम लोगों ने क्रिएट किया है सुंदर से वर्क में। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कांच का है नहीं ना। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये कांच का बाउल है ना, इस पर हमने क्ले ऐड किया है और यही वाला क्ले है जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। देखिए, अभी गीला भी है, इसमें फेविकोल भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये सिर्फ मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया था जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ और थोड़ा इसको शो करके मैं दिखाऊंगी भी। इसमें अभी फेविकोल भी लग रहा है, आपने देखा था। एक ये हमारा नेक्स्ट है बाउल, ये दोस्तों टेक्स्चर बाउल बनाया था वही प्लास्टिक के बाउल से, उन्हीं पर ये टेक्सचर बाउल है, इस पर टेक्सचर दिया हुआ है और ये इतना लंबे समय से मेरे पास चल रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसको एटलीस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं और देखिए इस पर मैं जनरली सर्व भी करती हूँ और आपको शो करती हूँ कि मैं सर्व करती हूँ या नहीं करती। देखिए, अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा नमकीन रखा हुआ है और जो इसमें कलर है हार्मफुल नहीं है बिकॉज वो अच्छे से सूख चुके हैं। इसमें थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, पानी नहीं सॉरी कलर है इसमें,
हाँ ये मैं सिखा रही थी तो थोड़ा सा डाल दिया था। तो ये बाउल्स हैं विथ ट्रे। टोटली ये वाला जो है इसका जो ट्रे है वो मैं आप लोगों को अभी वीडियो में ही सिखाऊंगी, जैसे ये बाउल्स बनाने सिखाऊंगी उसी में साथ का इसका ट्रे भी बनाना सिखाऊंगी। ये वाला बाउल, ये वाला बाउल, ये और ये दोनों तरह के बाउल्स हैं जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस जल्दी हम अपना क्ले बनाना सीखते हैं। क्ले एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो मैं जैसे जैसे आप लोगों को जो भी आर्ट सिखाऊंगी क्ले का, पेंटिंग का, उसका डिस्क्राइब मैं आपको उसी समय करूंगी कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है, कौन सा क्ले किस पेंटिंग में या किस आर्ट में यूज़ होगा। जैसे अभी ये बाउल्स हैं, जो बाउल्स में जो हमारा क्ले यूज़ होगा सबसे पहले मैं वो सिखाऊंगी, बिकॉज हम ज़्यादा एक साथ चीज़ें सीख लेते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं कि हमें इसमें लामसा क्ले क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, या इसमें सिंपल कॉर्नफ्लावर का क्ले क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें चॉक पाउडर का क्ले कर सकते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी, और आज जो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे वो मैं आपको लामसा क्ले और कॉर्नफ्लावर से सिंपल क्ले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, उसी से हम लोग ये डिज़ाइंस बनाएंगे, और किस तरीके से इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हैं कलर करने में प्रॉब्लम आता है, तो हम इसको कलर्ड क्ले बनाएंगे और फिर हम उससे बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।